कोलकाता में मशहूर सिंगर केके को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर पर लोगों ने फूल अर्पित किए। कल लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हार्ट अटैक के बाद उनके निधन की खबर आई। कोलकाता के रविंद्र सदन में सिंगर केके को गन सैल्यूट दिया गया। केके का पार्थिव शरीर मुंबई ले जाया जा रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के गर्भगृह की आधारशिला रखी। इस दौरान देश भर से साधु संत रामनगरी मौजूद रहे। शिला पूजन के बाद योगी ने कहा, 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ। राम मंदिर के गर्भगृह शिला पूजन कार्यक्रम से पहले योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी गए, जहां उन्होंने पूजा और आरती की। मध्य प्रदेश के उमरिया में चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में लोड जेसीबी जलकर राख हो गई। ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर जान बचाई। मध्य प्रदेश के हरदा में लव जिहाद मामले के आरोपी की संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर चला। लीज खत्म होने के बाद भी क्रशर खदान चलाया जा रहा था। मध्य प्रदेश के सिवनी में शादी के दौरान फायरिंग की गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में आग लगने से एक मकान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि मकान में रहने वाले सभी लोग सुरक्षित बच गए। महाराष्ट्र के नागपुर में सेवानिवृत्त जज के फार्म हाउस में डकैती की वारदात हुई है। डकैतों ने नौकर का हाथ पैर बांधकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के लुधियाना में हथियार दिखाकर रोडवेज बस के कंडक्टर से रुपयों से भरा बैग लूटने की कोशिश हुई है। विरोध के बाद थोड़े से रुपए छीनकर बदमाश फरार हो गए। पटना में बीजेपी के पूर्व विधायक चित्रंजन शर्मा के भाइयों पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। हमले में दोनों भाइयों की मौत हो गई है। पुलिस को हमले के पीछे पांडव सेना का हाथ होने का शक है। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और एक इनामी बदमाश सलीम गिरफ्तार हुआ है। दूसरा मौके से फरार हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात का वीडियो सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के जौनपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप है। यूपी में औरैया के दिबियापुर थाने के अंदर महिला की चप्पलों से पिटाई की गई। पुलिस के सामने ही सूदखोर दुस्साहस करता रहा। वीडियो वायरल। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 6 शूटर्स शामिल थे, जिन्होंने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पूर्व पार्षद के बेटे की हत्या के बाद बवाल। विरोध में आज बाजार बंद किए गए। इलाके में तनाव का माहौल। भारत और बांग्लादेश के बीच नई ट्रेन सेवा मिताली एक्सप्रेस शुरू हो गई। जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलेगी ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के रोहतक में ADS प्रिट्स लिमिटेड के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। हरियाणा के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में भी रेड पड़ी। दिल्ली में शास्त्री पार्क इलाके में बेकाबू बस ने ऑटो और स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। अहमदाबाद से दिल्ली जा रही आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन में एक शख्स ने इमरजेंसी उपकरणों से छेड़छाड़ की। फेसबुक लाइव भी किया और इस मामले में रेलवे ने चीफ लोको इंस्पेक्टर समेत कई लोगों को सस्पेंड किया। उन्नाव में SOG टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की गई है और एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। यूपी के कौशाम्बी में एक शराबी को दुकानदार ने अपनी दुकान से भगा दिया। शराबी के परिजनों ने दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के झांसी में एक साड़ी के शोरूम में भीषण आग लग गई, जिससे 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। भारी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। केदारनाथ और पैदल मार्ग में यात्रियों के लिए राशन और सब्जियां ले जाने वाले ट्रकों को पुलिस ने 3-3 दिनों तक रोका है, जिसके बाद ट्रक चालकों ने नाराजगी जाहिर की है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला। स्मृति ईरानी ने पूछा, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को केजरीवाल क्यों बचा रहे हैं? सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, सत्येंद्र जैन देशभक्त आदमी है, उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। भोपाल में गुरुद्वारा नानक
टेंकरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि 70 साल में किसी ने सिखों की मांगों पर ध्यान ही नहीं दिया। पीएम मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर के जरिए भारत को पाकिस्तान से जोड़ा है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में आजम खान से मिलने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। इससे पहले जेल से बाहर आने पर अखिलेश उनसे नहीं मिले थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार पर चिंतन शिविर में चर्चा करेंगी। वाराणसी के पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव मंदिर को लेकर भी निचली अदालत में एक याचिका डाली गई है। औरंगजेब पर मंदिर तोड़वाकर मस्जिद निर्माण कराने का दावा किया गया है। 4 जुलाई को होगी सुनवाई। पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 135 रुपए की कटौती की है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 जून से 4 दिन के लिए यूपी के दौरे पर जाएंगे। लखनऊ में विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सेवा दल की आजादी गौरव यात्रा का दिल्ली के राजघाट पर समापन किया गया। इस दौरान सोनिया गांधी मौजूद रहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिका, ब्रिटेन और चीन को पीछे छोड़ा है। GDP -6.6% से छलांग लगाकर 8.7% पहुंची। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर लखनऊ बीजेपी दफ्तर में रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाम 4 बजे सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। योजना के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। जम्मू के सांबा में महिला टीचर रजनी बाला का अंतिम संस्कार किया गया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम स्कूल में घुसकर हत्या कर दी थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,745 नए मामले मिले हैं। कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2,236 रिकवर हुए हैं। मुंबई में आज कोरोना के 506 नए केस मिले हैं। कोरोना से किसी की मौत की खबर नहीं है, जबकि कल कोरोना के 318 मामले मिले थे। यूक्रेन के लुहांस्क स्टेट हेड का दावा, सेवेरोदोनेस्क में 70% इलाके पर ही रूस का कब्जा है, बाकी हिस्से पर भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक को तबाह करने का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन की सेना ने खर्सोन में एंटी टैंक मिसाइल से रूस ट्रक को तबाह कर दिया है। तबाही का वीडियो सामने आया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलटवार जारी है। यूक्रेन के सैनिकों ने आर्टिलरी से रूस के अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूस के हमले में यूक्रेन का औद्योगिक शहर रुबिज्ने पूरी तरह से तबाह हुआ है। बर्बादी की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के ओमाहा शहर के केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूक्रेन के सैनिक ने जेवलिन मिसाइल से रूसी टैंक पर अटैक किया है। हमले में टैंक बर्बाद हो गए। यूक्रेन की सेना ने मल्टीपल लॉन्चर से रूसी सेना पर मिसाइल दागी है। हमले के बाद यूक्रेन के सैनिक ने जश्न मनाया। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट से बाहर भारत कोरिया के खिलाफ मैच सुपर 4S चरण में 4-4 से ड्रॉ हुआ है। फाइनल के लिए कोरिया और मलेशिया में टक्कर होगी। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल ने डिफेंडिंग चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल के सेमीफाइनल में जगह बनाई।